बताने वाला हूँ कि आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे गूगल एनालिटिक डैशबोर्ड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता है गूगल एनालिटिक डैशबोर्ड क्या है, उन लोगों को मैं बता दूँ, गूगल एनालिटिक डैशबोर्ड वो है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके वेबसाइट पर कौन विजिटर आया, कहाँ से आया, कौन से डिवाइस से आया, उसने कौन कौन सा पेज देखा, क्या सर्च किया, सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, मेरे हिसाब से ये आपके वेबसाइट पे होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये काम को कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्लगइन आता है जो कि आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए चलिए प्लगइन के ऑप्शन पे और ऐड न्यू, और यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ अभी फिलहाल, गूगल एनालिटिक डैशबोर्ड, ओके। तो आप इसको, ये वाला रहेगा प्लगइन, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसको एक्टिवेट भी करता हूँ। तो जी ये एक्टिवेट भी हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर, देखिए गूगल एनालिटिक डैशबोर्ड है ना, तो मैं यहाँ पर आता हूँ जनरल सेटिंग पे। यहाँ पर मुझे एक API की देना होगा, कैसे देना होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ऑथोराइज प्लगइन पे, सॉरी मेरा जबान स्लिप कर रहा है, यहाँ पर गेट एक्सेस कोड, यहाँ पर मैं अपने जीमेल के आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ। अलाउ, ये वाला की मुझे कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल बी और सेव एक्सेस कोड। तो बस अब हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ डैशबोर्ड पे, देखिए अब यहाँ पर है ना, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ घसीट के, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरह से करूं, देखो है ना, यहाँ पर एक सेशन यानी कि एक यूज़र आया, एक पेज भी हुआ, ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा यहाँ पर। टेक्नोलॉजी में आपको डिवाइस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, किस डिवाइस से आया था, लास्ट 30 डेज का ये हिस्ट्री बता रहा है। आप टुडे भी कर सकते हो, रियल टाइम कर सकते हो, आप यहाँ पर खुद से करके देखो, आपको सब पता चलेगा आपके वेबसाइट पर कौन कौन विजिटर आया, कहाँ से आया, उसने क्या सर्च किया, ट्रैफिक क्या था, डिवाइस क्या था, सब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आप भी कुछ इस तरह से अपने वर्डप्रेस पे गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड को इंस्टॉल करके अपने वेबसाइट पे नज़र रख सकते हो कि आपका वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, उसमें कितना ट्रैफिक है, बाउंस रेट कितना है, ठीक है। तो आप भी अपने वर्डप्रेस पे इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है मैंने आपको बता दिया, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।